भाइयों, अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे संतरे के बगीचे में आने वाली समस्याओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संतरे के बगीचे में फल गिरने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। उसके निवारण के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अभी अपन बात करेंगे, अभी जो समस्या आ रही है बरसात की शुरुआती अवस्था में या बरसात के बीच में जो समस्या आती है, जो फलवरी का फल ले रहे हैं उनकी जो समस्या आती है उनकी अभी अपन बात करते हैं। जैसा कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अभी बरसात की शुरुआती अवस्था है, अभी बगीचे में जो फल लगा उसमें क्या समस्या आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बगीचे में इस प्रकार की समस्या आती है, जैसे कि आप देख रहे हो पीला होकर संतरे का नीचे गिरना और साथ ही साथ में उसका क्रेक होना। जैसे कि ये क्रेक इस प्रकार से होता है, ये क्यों होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बगीचा है, ये इसमें अच्छा फल लगा हुआ है, इससे फल की समस्या आ रही है। जैसे कि ये इस पे आ रही है, आप देख रहे हो, उसी प्रकार एक फल की समस्या ये आ रही है कि अभी लगा हुआ है, इसमें भी क्रैकिंग की समस्या आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्रैक हो गया, अब ये नीचे गिरेगा। ये किस कारणों से आती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये भी आ रही है, इस पौधे पे अधिक मात्रा में समस्या आ रही है फल के अचानक क्रैक होने की। जैसे आप देख रहे हो ये क्रैक हो गया है, और साथ ही साथ इस पौधे के नीचे आप बात करते हैं तो अपन कितने सारे फल रखे हुए, सबकी यही क्रैक होने की समस्या है। साथ ही साथ देख रहे हो आप, ये फल क्रैक की समस्या है जो कि कितनी मात्रा में हो गई। आप बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब एक दर्जन संतरे इसमें क्रैक होकर गिर गए हैं पीले होकर। तो इस क्रैकिंग की समस्या से किसान भाइयों, अगर आपके एक पौधे पे इतनी समस्या आ रही है, भाई 12 के बाद एक है 13, उसके बाद ना मान के चलो एक दो संतरे और ऐसे होंगे ऊपर लगे हुए होंगे जो भी क्रैक अभी हो रहे होंगे। तो सोचो आप, अगर एक पौधे के ऊपर 13 संतरे अभी अपन ने जो निकाले हैं वो सब क्रैक होकर गिरे, तो सोचो कितना नुकसान अपना बगीचे के अंदर क्रैकिंग से होता है। अब फल टिकाने तक तो अपन ने बहुत सारी मेहनत करी है और अब फल क्रैक होकर गिरने लग गया। तो फल क्रैक होने की समस्या बोरोन की कमी की वजह से आती है, या तो बरसात अचानक होने से फल क्रैक होता है, या बोरोन की कमी की वजह से फल क्रैक होता है। तो अपन को क्या करना है कि जब भी आप बरसात से पहले या बाद में बेसल डोज देते हैं, उसमें फल के अंदर बोरोन की पर्याप्त मात्रा दें, क्योंकि किसान भाई DAP 12-32-16 राखोड़िया सल्फर की पर्याप्त मात्रा बगीचे में देते हैं, बाकी किसी प्रकार से बगीचों में बोरोन की मात्रा नहीं देते। जबकि बोरोन का भी एक बहुत अच्छा कार्य होता है बगीचे के अंदर, फल की साइनिंग बनाना, फल को क्रैक होने से रोकना, ये सभी काम बोरोन का होता है। तो अभी ये फल क्रैकिंग हो रहा है तो अपन इसको बेसल रूप में तो बोरोन नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो अपन इसको फोलियर स्प्रे में EDTF होम या बोरोन की मात्रा पौधे को स्प्रे द्वारा दे सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप उसमें एक तो मच्छर के लिए निजात करें, क्योंकि अगर इस फल को क्रैक हो गया अब इसके ऊपर मच्छर लगेंगे, रस चूसक कीड़े लगेंगे जो कि दूसरे फल को भी डैमेज करेंगे। तो इसी समस्या को रोकने के लिए आप इसके अंदर 50 ग्राम बोरोन अच्छी कंपनी का, उसके साथ में या तो इमिडा क्लोरोपीड या प्रोपिनोवा साइफरमेथ्रिन, अगर प्रोपिनोवा साइफरमेथ्रिन लेते हैं तो 40 ml पंप, और अगर आप इमिडा क्लोरोपीड लेते हैं तो 10 ml पंप लेकर साथ में सिलिकॉन बेस का चिपको 5 ml पंप 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि ऐसी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये समस्या आपने देखी है, एक पौधे पर अभी शुरुआती अवस्था में कम से कम एक दर्जन माल नीचे गिर चुका है, वो मुख्य कारण यही हो रहा है उसका, क्योंकि उसमें बोरोन की कमी है, फल के क्रैक होने से गिर रहा है। तो इसी समस्याओं से बचने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नई आने वाली समस्या समय समय तक हम आप तक पहुंचा सके। और जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं वो लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो, हम बढ़े और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सके, और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनको इस समस्या का समाधान मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।